नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज टेक पर। आज हम बात करेंगे एक अनाथ पपी का ध्यान कैसे रखें। नंबर एक, पूरे 24 घंटे देखभाल के लिए तैयार रहें। अगर आपको एक अकेले पपी का ध्यान रखना है, फिर खासकर कि वो अगर अपने जीवन के शुरुआती 2 सप्ताह में है, तो बहुत मेहनत और कमिटमेंट के साथ उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो जाएं। शुरुआत में उन्हें पूरे 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत होती है। शायद आपको पपी का ध्यान रखने के लिए अपने ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़े, क्योंकि शुरुआती 2 हफ्ते के समय के दौरान इन्हें लगभग निरंतर देखभाल की ज़रूरत होती है। नंबर दो, अगर उसकी माँ जिंदा नहीं है, जैसा कि आपका केस यही है, दूध का एक विकल्प खरीदें। अगर पपी अनाथ है तो उसके लिए दूध की जगह एक उचित रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। दूध डॉगी के दूध के रिप्लेसमेंट की तलाश करें। ये पाउडर फॉर्म यानी लैक्टोल में आता है, जिसे उबले हुए पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बेबी का फार्मूला बनाकर तैयार किया जा सकता है। ये सप्लीमेंट आपको वेटनेरियन क्लिनिक पर या फिर किसी बड़े प्लेट स्टोर पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाय बकरी के दूध का या फिर ह्यूमन इन्फेंट फार्मूला का इस्तेमाल न करें, ये पपीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जब आप डॉगी के लिए उचित मिल्क फार्मूला की तलाश में हों, तब तक के लिए आप इवेपोरेट किए हुए मिल्क और उबले पानी को मिलाकर फार्मूला बना सकते हैं। फीड करने के लिए इवेपोरेटेड मिल्क के 4 भाग के साथ में उबले पानी का 1 भाग मिलाएं। न्यूबॉर्न पपीज़ को हर 2 घंटे में फीड करें। पपीज़ को हर 2 घंटे के अंदर फीड कराया जाना ज़रूरी होता है, जिसका मतलब कि आपको उन्हें 24 घंटे में 12 बार फीड कराना होगा। मिल्क सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए पैकेजिंग के ऊपर दिए डायरेक्शन, आमतौर पर 105 ml उबले पानी के साथ में 30 ग्राम पाउडर मिलाकर फॉलो करें। पपी के भूखे होने के संकेतों पर नज़र रखें। एक भूखा पपी बहुत आवाज़ करने वाला पपी होता है, वो यहाँ वहाँ पलटेगा और रोएगा, जिसका मतलब कि वो नर्सिंग के लिए अपनी माँ की तलाश कर रहा है। अगर आपका पपी यहाँ वहाँ पलट रहा है और रो रहा है और उसने 2 से 3 घंटे से कुछ नहीं खाया है, तो शायद वो भूखा है और अब उसे फीड कराया जाना चाहिए। उसके पेट का शेप भी बहुत संकेत दे सकता है, क्योंकि पपीज़ में बहुत ज़रा सा बॉडी फैट रहता है, इसलिए जब उनका पेट खाली होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा और अंदर धंसा हुआ दिखेगा। भरा होगा तो एक बैरल जैसा फूला हुआ दिखेगा। नंबर 5, पपी के लिए डिजाइन किए गए बॉटल और निपल का इस्तेमाल करें। पपीज़ के लिए डिजाइन किए गए निपल आमतौर पर ह्यूमंस के लिए डिजाइन किए गए निपल से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इन्हें वेट क्लिनिक से या कुछ बड़े पेट स्टोर से ख़रीदा जा सकता है। इमरजेंसी में अपने पपी को मिल्क देने के लिए आप एक आई ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस ऑप्शन को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने पपी को मिल्क के साथ बहुत ज़्यादा हवा जाने का रिस्क रहता है। इसकी वजह से उसके पेट में हल्की सी दर्द भरी सूजन हो सकती है। नंबर 6, पपी को तब तक फीड कराएं जब तक कि वो खुद नहीं रुक जाता। मिल्क सब्स्टिट्यूट की पैकेजिंग पर दिए डायरेक्शन को फॉलो करके यह तय करें कि आपको अपने पपी को कितनी मात्रा में फीड कराने की ज़रूरत है। हालांकि एक अच्छा नियम होता है कि आप उसे तब तक फीड कराएं जब तक कि उसका पेट नहीं भर जाता। पेट भरने पर वो खुद ही खाना पीना बंद कर देगा। पेट भरने पर उम्मीद है पपी सो जाएगा, और फिर दोबारा भूख लगने पर या फिर करीब 2 से 3 घंटे बाद फिर से पपी खाने की डिमांड करेगा। नंबर 7, हर बार फीड कराने के बाद पपी के चेहरे को पोछें। जब पपी की फीडिंग पूरी हो जाए, तब गर्म पानी में भीगे एक ऊनी कपड़े से उसके चेहरे को अच्छी तरह से पोछ लें। ये उसे उसकी माँ के द्वारा सफाई किए जाने का एहसास कराएगा और साथ में स्किन इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम कर देगा। नंबर 8, फीड करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को स्टरलाइज करें। आप पपी को फीड करने के लिए जिन भी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को धोएं। बेबी इक्विपमेंट के लिए बने एक लिक्विड डिसइंफेक्टेंट का या फिर स्टीम स्टरलाइजर का इस्तेमाल करें। वैकल्पिक रूप से आप इक्विपमेंट को पानी में भी उबाल सकते हैं। नंबर 9, फीड करने के पहले और बाद में पपी के बॉटम को पोछें। न्यूबॉर्न पपी खुद से यूरिनेट या डिफिकेट मल त्याग नहीं कर सकते हैं। इन्हें इसके लिए यूरिनेट किया जाना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जानलेवा समस्या हो सकती है। डॉगी आमतौर पर अपने पपीज़ के पेरिनल रीजन, पूंछ के नीचे जहां पर डॉग का एनस होता है, जीभ फेर कर इस काम को पूरा करते हैं। ऐसा आमतौर पर पपी को फीड करने से पहले और बाद में होता है। पपीज़ को फीड करने के पहले और बाद में
हर बार उसके पिछले भाग को गर्म पानी में भीगे एक कॉटन पैड से पोछें। नंबर 10, 3 हफ्ते के बाद फीड कराने के बीच में गैप देना शुरू करें। जब न्यूबॉर्न पपी बड़े होते जाते हैं तब उनका पेट भी बढ़ने लगता है और ज़्यादा फूड समाना शुरू हो जाता है। 3रे हफ्ते के बाद से पपी को हर 4 घंटे के बाद या फिर टाइम बढ़ाकर और भी दे सकते हैं। 11वां, पपी के शरीर में गर्माहट की जांच करें। अपने हाथों से पपी के शरीर के टेम्परेचर को महसूस करने की कोशिश करें। अगर पपी का शरीर ठंडा होगा तो वो काफ़ी सुस्त होगा, गर्म होगा तो उसके जीभ लाल होंगे, कान गर्म होगा और काफ़ी अकड़ा हुआ दिखाई देगा। और एक न्यूबॉर्न पपी का टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहना चाहिए, लेकिन 2 हफ्ते की उम्र में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। हालांकि आपको थर्मामीटर के बिना टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी शक या सवाल है तो अपने वेटनेरियन से संपर्क कर लें। अगर आप हीट देने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर चेक कर लें कि ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही है। रेड स्किन की भी जाँच कर लें और पपड़ी शरीर पर ना पड़े इस बात का पूरा ध्यान रखें। अगर आप बहुत गर्म इलाके में रहते हैं तो हीट देने की ज़रूरत नहीं है। कमरे के टेम्परेचर को एडजस्ट करें। न्यूबॉर्न पपीज अपने खुद के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। माँ के करीब न होने पर उन्हें हीट सोर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। कमरे के टेम्परेचर को इतना एडजस्ट करके रखें ताकि आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में खुद कम्फर्टेबल महसूस करें। इतने में पपी के लिए भी सबसे बेस्ट टेम्परेचर होगा। पेडिंग के नीचे एक हीटिंग पैड रखकर पपी के बॉक्स में एडिशनल हीट प्रोवाइड करें। हालांकि बहुत ज़्यादा भी गर्म होने से रोकने के लिए हीट को लो पर सेट करना न भूलें। यंग पपीज़ को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। यंग पपीज़ को हम कई सारे वैक्सीनेशन और फ्ली ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनको कोई भी इन्फेक्शन, कीड़े मकोड़े और रेबीज़ का खतरा न हो। तो नंबर 1 कि 2 हफ्ते के बाद पपी को वार्मिंग प्रोडक्ट देना शुरू करें। अपने वेटनेरियन से इस बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। पेनेकर एक लिक्विड वर्मर की तरह आती है जिसे बहुत आराम से सिरिंज में लेकर दूध देने के बाद पपी के मुंह में डाला जाता है। ये हर किलोग्राम शरीर के वजन के लिए हर दिन 2 ml का एक डोज मुंह से दिया जाना चाहिए। 3 दिनों तक वर्मर को डेली दिन में 1 बार देते रहें। फ्ली ट्रीटमेंट देने के लिए पपी की उम्र 6 सप्ताह होने चाहिए, तब तक आप इंतज़ार करें और वेटनेरियन के पास जाएं। 6 सप्ताह के बाद ही पपी को इम्यूनाइज करना शुरू करें। रेबीज़ और कई सारी चीज़ों के लिए इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। पपीज़ को उसकी माँ से ही कुछ हद तक इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो उन्हें और ज़रूरत पड़ जाती है इम्यूनाइजेशन की। अपने वेटनेरियन से मिलकर एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पूछें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने पपी के बॉटल का और दूध के फार्मूला का लिंक दिया हुआ है। माँ के नहीं रहने पर शुरुआती 3 हफ्ते तक कौन सा मिल्क फार्मूला देना है उसका ही हमने लिंक दिया है, बिल्कुल सटीक। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।